अब ऑटोमोबाइल मार्केट में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन लगातार न्यू एनर्जी पर भी काम किया जा रहा है और मार्केट में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बैटरी दोनों पर चलने वाले हाइब्रिड स्कूटर को भी मार्केट में लाया जा चुका है ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। कौन सी कंपनी का कौन सा व्हीकल है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रहे पावर अपडेटेड। लेकिन अब मार्केट में पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलने वाले यानी हाइब्रिड स्कूटर भी आ चुका है जिसका नाम है यामाहा फेसिनो 125। दरअसल ये यामाहा मोटर्स का हाइब्रिड स्कूटर है। कंपनी ने इसे पहली बार इंडियन मार्केट में साल 2021 में शोकेस किया था। और इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में बात करें तो हाइब्रिड स्कूटर यामाहा फेसिनो 125 में 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, साथ ही इसमें एक स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम भी है। ये 68.75 किलोमीटर का माइलेज आपको देती है। कुछ दूरी तक आप बैटरी पर भी इसे चला सकते हैं। ये 8.04 bhp की पावर और 0.3 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो 5.2 लीटर की है। वेट इसका 99 kg है और इसमें रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आगे की तरफ एक सर्कल डिजाइन हेडलाइट, सेटअप सीट, एप्रिन माउंटेन इंडिकेटर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ आपको दिए गए हैं। और इसके अलावा ये काफी एडवांस फीचर्स से लेस है और इसे कोई भी आराम से चला सकता है। अब इसके प्राइस की बात करें तो इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो अप्रोक्स 78,000 रुपए है। ये हाइब्रिड स्कूटर 5 वेरिएंट और 9 कलर में अवेलेबल है। लुक और डिजाइन के मामले में भी ये एक्टिवा को टक्कर दे सकता है। तो आपको कैसा लगा ये हाइब्रिड स्कूटर हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।